तो अभी अभी आपने स्टार्ट के क्लिप में जो देखा, क्या वो आपके साथ भी होता है? अगर होता होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस, मेरा नाम शुमित और आज हम फिर से वापस आ गए माइनक्राफ्ट की इस अमेजिंग दुनिया में। और ये है आज का 4th एपिसोड रेरेस्ट थिंग्स फाउंड इन माइनक्राफ्ट का। तो यार हमारे साथ है आज निनाद। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी फिर से टाइम है, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं होते तो भी। तो देखो भाई निनाद, अभी रात होगी, इसे तुम भी सो जाओ, तुम्हारे लिए साइड वाले विलेजर का घर तुम ले लो, बाकी का मैं कर लूँगा। देखो भाई तुमको फिर से टूर करा देता हूँ, ये है मेरा पेट और ये रहा उसका घर, तो तुम यहाँ पे आराम से सो जाना। अभी अगले कुछ दिनों तक, जब तक हम लोग को हमारे लिस्ट का अगला चीज़ नहीं मिल जाता तब तक टाइम पास मत कर, सो जा भाई। देख सो जा, टाइम पास मत कर, मैं भी सोने जा रहा हूँ, अगला दिन हमें नया ये ले आइटम ढूंढने जाना है, तो चलो चलते हैं। और हाँ भाई लोग, अभी अपना वो शोकेज एरिया पूरा ही होने वाला है यार, कुछ बता तो बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में यार, ऐसे क्या बैठे हो यार, सब्सक्राइब कर देना नए हुए तो। ओ भाई सुबह हो गई, निनाद को मेरे पेट की वजह से सोने नहीं मिल रहा, इसलिए वो घर से बाहर ही सो गया, क्या बात है। तो अभी आओ निनाद जी, ऐसे घर में छुपके मत रहो, ज़ॉम्बी से डरो मत, मैं तुमको सामान देता हूँ थोड़ा, आओ मेरे पास एड का लूट है, उसमें से मैं तुमको थोड़ा सा दे दूँगा। ये रहा आयरन वाला शोकर बॉक्स, ले लो इसमें से पूरा एक आर्मर सेट ले लेना पूरा। ये देखो गाइस मेरे पास क्या क्या पड़ा रहेगा, एन्चेंटेड स्टफ। तो भाई एंड सिटी की लूट देख के हो गए हो आप लोग की, तो फिर अभी मैं हम अपनी लिस्ट की अगली चीज़ पे बढ़ेंगे जो है एमराल्ड डोर। तो हाँ यार एमराल्ड डोर रेयर है पता है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बायोम में ही मिलता है जिसमें हम स्टार्टिंग से ही है, पता नहीं क्यों, और उस बायोम का नाम है एक्सट्रीम हिल्स बायोम। तो अभी हम वही पे ही है, अभी मैं अपना आर्मर रिपेयर कर लूँ। तो यार देखो भाई लोग, यार तुम आइडियाज नहीं दे रहे, देखो यार शोकेज एरिया क्या क्या हाल हुआ पड़ा यार, कमेंट सेक्शन में अभी जाके आइडियाज डाल दो ताकि मैं इसको रिपेयर कर पाऊँ। और मैंने हाँ जितने भी सामान अभी जमा किए ना रेयर में वो सब इधर रख दिया है, जल्दी से अभी का अभी कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को एक आइडिया दो ताकि मैं इसको रिपेयर कर पाऊँ। तो अगली चीज़ अभी हम ये करने वाले हैं कि अभी मैं निनाद को लेके उस साइड वाले पहाड़ की केव्स में चला जाऊँगा, ताकि वहाँ पे हम माइनिंग करेंगे, ताकि वहाँ पे हमें एमराल्ड और मिले। वो पहाड़ एक्सट्रीम हिल्स बायोम में ही आता है, वहाँ पे एक्सट्रीम हिल्स बायोम वो बायोम रहते हैं जिसपे बहुत ऊंचे पहाड़ रहते हैं और उन पहाड़ों पर बर्फ़ रहती है, और उन पहाड़ों के अंदर केव्स भी रहते हैं जिसमें हमें एमराल्ड और मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, कहीं पर भी मिलते हैं, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है कि वहीं पर मिलेंगे करके हमें। और हाँ यार वहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, अगर मिली तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, वो है वो आइटम है रेयर इन्फेक्टेड स्टोन। अब तुम बोलोगे यार कैसा नो यार, तुम भी फिर से एक इजी चीज़ बता दी यार, हमें इन्फेक्टेड स्टोन तो आराम से स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिल जाएगा उस स्पॉनर से, हमें नेचुरली स्पॉन इन्फेक्टेड स्टोन चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहिए, मतलब नेचुरली स्पॉन भी उधर ही एक्सट्रीम हिल्स बायोम में ही मिलते। तो चलिए चलो निनाद, तुम्हें जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसको जाके तुम्हें पूरा खड्डा सपाट कर देना है, जाओ जब तक एमराल्ड और मिलता नहीं। निनाद हेलो, आ रहे हो ना निनाद, तुमको हम कत्ल करते। तो देखो भाई फाइनली हमें केव मिल गई। तो निनाद तुम मेरे पीछे हो ना, अच्छा ठीक है। तो अभी हमें अंदर जाना है, तुम्हारे पास टॉर्चेस तो होंगे ही, मैंने पहले ही दे के रखे, तो फिर चलिए अभी हमें इस केव का एक्सप्लोर करना है जब तक हमें एमराल्ड डोर नहीं मिलता। अभी हम वाइल्ड लेवल 25 हो क्या? अरे वाह एमराल्ड डोर मिल गया, ये उठाऊंगा, मेरे को ये ज़्यादा जरूरी है, गोल्ड चाहिए मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो शोके चले के लिए ऐसे भी जरूरी नहीं होते। अभी तो हमें एमराल्ड डोर मिल जाए, क्या बात है यार। हाँ निनाद बोल, अरे गाइस क्या लक है यार मेरा, अभी अभी निनाद ने मेरे को बताया कि उसको भी कुछ एमराल्ड डोर मिले, मतलब दो मिले उसको माइन शाफ्ट के साथ एमराल्ड डोर। अरे भाई दो माइन शाफ्ट हो गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के वजह से माइन शाफ्ट और एक और माइन शाफ्ट। तो पहला हम ये एमराल्ड डोर उठा लेते हैं, मेरे पास एक सिलेक्टर्स का पिकैक्स है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आयरन वाला। तो अभी हम इस एमराल्ड डोर को माइन कर लेते ताकि हम इसको अपने साथ कैरी कर सकें डायरेक्ट
अगर नॉर्मल आयरन पिकेक्स यूज करेंगे ना तो डायरेक्ट एमराल्ड मिलेगा, लेकिन अभी सिल्क टच यूज किया ना हमने तो हमें ये मिला। तो फिर अभी हमें जाना है इंद्रनाथ के पास, अभी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मुझे नहीं पता, तो मैं उससे उसकी कोऑर्डिनेट्स लूँगा और फिर वहाँ पे पहुँच कर आपसे मिल जाऊँगा। नहीं मिल लूँगा मैं गलती, ओ भाई स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अभी थोड़े से में। ओ फाइनली माइन शाफ्ट, क्या बात है, मतलब पिकेक्स का हालत भी ठीक है और हम माइन शाफ्ट में पहुँचे। तो अभी मैं निनाद के बहुत पास, तो गाइस निनाद देखो निनाद मुझे बोल रहा है उसको मेरा नेम टैग दे। अच्छा मेरे को भी उसका दिख गया, मैं बोलने वाला था मुझे उसका नेम टैग नहीं दिख रहा, लेकिन अभी 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 मुझे दिखाई दिया। तो फिर अभी हम जाते हैं उसके पास। ओके बहुत अंधेरा है, यहाँ से आना है क्या? ओके निनाद मेरे को बता रहा है, पता नहीं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो कि नहीं। वो एक भाई एयरटेल वालों मैसेज भेजने की भी कुछ टाइमिंग रहती है यार, ऐसे क्या कर रहे हैं, मेरे सिम कार्ड के साथ भी मस्ती मत कर रहे यार। तो फाइनली गाइज हमें दिख गया है एमराल्ड ओर, पहले तो मैं इसको आप से छूट जाऊँ। ओके तो फिर अभी मैं उसको उठा लेता हूँ, ये पहुँच गए ओर के पास, ये ली मैंने सिल्क टच की पिकेक्स और ये मैंने तोड़ दिया, ये मिल गया हमें ओर। हेलो निनाद कैसे हो आप, कैसा है तू, क्या बोल रहा है मैं। तो अभी हम फिर से ऊपर जाते हैं, वो बोल रहा है उसके पास एक और है, चल झूठ मत बोल सच बता, एक और है सच्ची में कहाँ पे। ओ क्या बात है, अभी इस बात पे तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, अभी कर दो यार। तो फिर अभी हम वापस घर जाते हैं, तो फिर अभी हम वापस घर पे ही मिलेंगे गाइस। तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं आखिरकार, चलो घर पे जाते हैं आराम करके, रात हो गई कल सुबह मिलेंगे। तो दिन हो गया, उजाला हो गया, उजाला सफ़ेद पाउडर हो गया सब सिर्फ। तो मैं अभी अपना सब सामान मतलब इम्पोर्टेंट वाला एक साइड पर रख दें, ये सिल्क टच की पिकेक्स यहाँ पे, और अभी रुको। तो मुझे लगता है अभी मैंने फालतू क्या बोल रहा है, चल झूठ मत बोल, तूने मेरा पेट मार दिया, मार खाएगा निनाद, सच बोल मेरा पेट मार दिया पागल निनाद, तू पहला आर्मर उतार, अपना आर्मर उतार, तू आर्मर उतार उतार लो, अबे मार खा मारेगा मेरे पेट को मारेगा, जल तेरी भैंस की जल। अरे यार उसकी बची हुई अस्थियाँ भी नहीं जो मैं पानी में बहा दूंगा यार, तू जल जा अभी, मेरे मन को शांति और ज़ॉम्बी को शांति। तो देख भाई अगर तुझे अपना सामान रखना है तो मैं तुझे अपना आला मेरे तरफ से एक अपना शोकर बॉक्स दे देता हूँ, उससे है ना उसमें अपना सामान रख दे, रेंडर चेस्ट के अंदर रख दे, तो ऐसे वो तुम्हें ही एक्सेस हो जाएगा, मेरे को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एमराल्ड और शोकेस एरिया में रखेंगे, क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी मत बोल यार दिमाग का, अरे वाह क्या मेरे को ये दे रहा है तू, खोल दे रहा है शील्ड हटा जरा, तेरा हाथ जॉम्बी हो गया, और निनाद डैम मार निनाद जॉम्बी हो गया निनाद को मेरे पेट का कर्ज लग गया लगता है, शराब लग गया पता नहीं निनाद को क्या हुआ है, लेकिन पहले तो हम अपना एमराल्ड और इधर रखते हैं इस बड़े एरिया में, यहाँ पे ये मैं रखता हूँ। निनाद आज का ये शुभ कार्य तुम करो, चलो ये मैंने रखा एमराल्ड और पहले तो ये एक ये लो तुम लो, अरे पक्का ज़ॉम्बी लग रहा है तू सच्ची में, डिलीट कर ये लो, डिलीट कर भाई मेरे को लग रहा है मेरे को तेरे मन की आवाज़ सुनाई दे रही है, डिलीट कर ये बाकी के तो कई और सजा के रख दे, तेरे को लग रहा है तो जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी कर, लेकिन उसको अपने पास मत रखना ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी निराज मारू गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आपको बहुत अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत अच्छी लगी तो बेल आइकन के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये निनाद के साथ क्या हुआ है, उसको ज़ॉम्बी का पेट का श्राप लगा है या फिर कुछ और। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।